ईयर्स का जो नाता है कांग्रेस से तोड़ा है नितिन देवरा ने, और आज देखिए, शिवसेना शिवसेना से भी कुछ लोग 25-25, 30-30 साल का नाता तोड़कर चले जाते हैं ना। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोके की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सबको बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। ठीक है, अरविंद सावंत की जो सीट है वो और सावन जी की सीट सावन जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, शंकराचार्य जी का योगदान क्या है, ऐसा बीजेपी का एक मंत्री बोल रहा है। उसका नाम है नारायण तातुराणी, बराबर ना? ऐसा लगता है उसका नाम यही है, नारायण तातुराणी। शंकराचार्य हमारे चार पीठों के धर्माधीश है, प्रमुख है। हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, धर्म के बारे में सब कुछ करते हैं। एक बात रखी है मंदिर निर्माण के बारे में या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, बात सुननी चाहिए, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में शंकराचार्य का योगदान क्या है, ये सवाल तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एक तो मोदी जी ने इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो बीजेपी ने 22 जनवरी से पहले तमाम हिंदू लोगों की, जनता की माफी मांगनी चाहिए। सर, मणिपुर से कांग्रेस कह सकता है किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छे अच्छे बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछे। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, कभी गए तो मैं क्या कह सकता, उनको पूछे ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनका पूछना, मुझे पूछने में क्या फायदा। लेकिन